6.3 एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। 7 यानी रेंज निकालें और मयारी इनराफ यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेंज जो होती है ना, रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, साथ भी कहते हैं इसको उर्दू में, बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, इसको रेंज साथ कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे एक्स, MAX, मैक्स यानी सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी, एक्स मिनिमम, एक्स मुराद वैल्यू होती है, एम एक्स मैक्स और मिनिमम। अब सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम देखें तो 15,000 है, और मिनिमम जो सबसे छोटी है वो है 11,500। ठीक है, सिंपल, इनको माइनस कर लेंगे कैलकुलेटर के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3,500। ठीक हो गया। अब जो दूसरा हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए हमारे पास दो तीन फार्मूले, यहाँ जो हम यूज़ करेंगे वो ये है। स्टैंडर्ड डेविएशन को एस भी कहते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर ओवर एन। एन से मुराद रकमों की तादाद होती है, जो कि यहाँ पर दी गई है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, रकमों की तादाद यहाँ पर दी गई है। तो अब हमें x माइनस एक्स बार निकालना है। x बार जो है वो क्या होता है, x बार जो है वो मीन को कहते हैं, और ये बराबर होता है समेशन x ओवर n। ठीक है, सारी वैल्यूज को हमने जमा कर लेना है। ठीक है, जमा कर लेना है, इन सब को ऐड कर लें, तो ये जमा करने से हमारे पास आ जाएगा 68,200। यहाँ रखते हैं 68,200, और 1, 2, 3, 4, 5 इनकी तादाद है, तो इनको अगर हम डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 1, 3, 6, 4, 0। अब ये आ गया एक्स बार। अब हमें एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बना लेना है। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, हर जो वैल्यू है एक्स की, ये वाली, इसमें से हमने ये वाली वैल्यू जो 13,640 आया है इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, सारी वैल्यूज में से इसको क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। ऐसे ही आप लोग माइनस कर लोगे तो पहली आ गई 2, -2, 1, 4, 0, दूसरी आएगी -1, 2, 4, 0, तीसरी आ गई मेरे पास 1, 3, 6, 0, 8, 60, 1, 1, 6, 0। ठीक है, अब हमें इनका स्केयर चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर, ऐसे -2, 1, 4, 0 का होल। तो अब इनका स्केयर ले लेंगे, ये देखें कैलकुलेटर से, माइनस ब्रैकेट में माइनस भी लिखे हैं, प्लस ही हो जाता है, 2, 1, 4, 0 ब्रैकेट बंद, और यहां से स्केयर ले लेना है ये वाला, और इक्वल दबा दिया, तो ये मेरे पास रकम आ गई 4, 5, 7, 9, 6, 0। ऐसे ही आपने इन सब का क्या करना है, स्केयर ले लेना है। तो दूसरी आ जाएगी 1, 5, 3, 7, 6, 0, तीसरी आ गई मेरे पास 1, 8, 4, 9, 6, 0, चौथी आ गई 7, 3, 9, 6, 0, और लास्ट वाली आ गई मेरे पास 1, 3, 4, 5, 6, 0। अब इन सब की हमें जरूरत है यहां पर फार्मूले के अंदर, तो इनको जमा कर लें सबको। ठीक है, तो इन सब को अगर मैं जमा करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1,00,52,000। ओके,
अब ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, ये फार्मूला इसके अंदर दर्ज कर दें। समेशन कहते हैं जमा को, ये जमा करके जो आया ना x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 100052000। फ्रेंड से मुराद इनकी तादाद होती है, पहले इनको तकसीम कर लेंगे, तो 100052000 तकसीम 5, तो ये आ गया मेरे पास ये वाला आंसर। ठीक है, तो 201040। अब इसका जजर ले लेते हैं, यहाँ से ये जजर दबाना है और इक्वल दबा देना है, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, वन फोर वन सेवन पॉइंट एट नाइन। ले जी, ये दी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना था, फाइंड करना था, और रेंज फाइंड करनी थी। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इस तरह ये सवाल हमने आराम के साथ हल कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास है वो है 5। अब रकमें शुक्रिया छोटी हैं, उसी तरह हमने मयारी इनराफ एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। 4 वाला हमने कर लिया है, 5 वाला देखते हैं। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर एक्स बना लेंगे, तो एक्स में क्या आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 12, 6, 7, 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और 5। अब मुझे एक्स बार चाहिए माइनस करने के लिए, तो यहाँ नीचे ले लेते हैं। एक्स बार बराबर क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। इन सारी वैल्यूज को जमा कर लें, वो समेशन एक्स होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 76 डिवाइडेड बाय एन। एन इनकी तादाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 9.5। अब ये सारी वैल्यूज एक्स बार की, मुझे एक्स में से क्या करनी है, माइनस करनी है, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए मुझे, तो 12 में से भी 9.5, 6 में से भी 9.5, सब में से क्या करना है, 9.5 माइनस कर लेना है, तो यहाँ पर ये मेरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, 2.5 माइनस 3.5 माइनस 2.5 माइनस 6.5 5.5 0.5 8.5 माइनस 4.5। ये 0.5 और 8 में से करेंगे तो, अच्छा ये वैल्यू जो है ना वो 18 है, तो ये आ जाएगा 8.5। ठीक है, अब मुझे इसका स्केयर चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का है फार्मूला वो क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार के होल स्केयर का समेशन ओवर एन। तो एक्स माइनस एक्स बार तो आ गया है, अब इसका क्या करना है, हमने समेशन निकाल लेना है। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर, तो पहली वैल्यू 2.5 इसका स्केयर, दूसरी है -3.5 इसका स्केयर। ऐसे ही सारी वैल्यूज का क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। तो पहली आ गई 6.25, आगे आ जाएगी 12.25। ठीक है, इसी तरह इसका भी स्केयर ले लेंगे, तो ये आ जाएगी 6.25। ऐसे इन सब का क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे, तो ये आ गई 42.25, आगे आ गया 30.25, 0.25,
72.25 और 20.25, इस सारे का क्या कर लो, समेशन कर लो, जमा कर लो, तो ये आ जाएगा मेरे पास 190। यहाँ रखते हैं अंदर 190, एन इनकी तादाद है सारी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो इसको पहले डिवाइड कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, जजर ले लेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23.75 और जजर लेंगे तो मेरे पास 4.87 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ए पार्ट जो था बिल्कुल फोर वाले क्वेश्चन की तरह ही था, कोई इसमें चेंज ऐसा खास नहीं था कि आपको समझ ना आए। ठीक है, तो भी चलते हैं जी इसके बी पार्ट की तरफ। फाइव का बी पार्ट है, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, 9388 989 और 18। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए ना माइनस करने के लिए। एक्स बार अरिथमेटिक मीन को भी कहते हैं और ये बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन। ये जो वैल्यूज हैं इनको हमने एक्स कहना होता है, इनको जमा कर लें तो ये आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाय इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 72, 9 आंसर आ गया। अब चूंकि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसका फार्मूला अभी हमने यूज भी किया है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा एन। अब मुझे एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, ये है एक्स और एक्स बार भी क्या है, 9 ही है, तो ये तो आएगा 0। फिर 3 माइनस 9 8 माइनस 9, तो ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -1। ऐसे ही सारी वैल्यूज क्या करेंगे हम निकाल लेंगे, 0 ये भी -1 आ जाएगी, ये फिर 0 आ जाएगी, -1 0 और ये आ गया 9। अब मुझे इसका स्केयर चाहिए, होल स्केयर, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर, 0 का स्केयर 0, -6 का स्केयर होता है 36, -1 का स्केयर 1, इसका भी 1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 9 का 80। इन सब को जमा कर लें क्योंकि हमें समेशन चाहिए, समेशन से मुराद मजमूआ जमा, तो यह आएगा 120। तो अंदर रख दें 120, तादाद कितनी है, 8 वैल्यूज हैं, पहले डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने से आएगा 15 और जजर ले लेंगे तो 3.87। तो ये 5 का बी पार्ट भी हमने हल कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट, अब इसका बे पार्ट है, उसमें हमने तगैरियत फाइंड करनी है, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस क्या करना है, फाइंड करना है, सेम फार्मूला, सिर्फ जजर नहीं आएगा। ओके, 5 का बी, पहले वैल्यूज लिख लेंगे उसी तरह, एक्स कहते हैं वैल्यूज को, 10 8 9 7 5 12 8 6 8 और 2। सबसे पहले एक्स बाहर निकालना पड़ेगा, एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। सबसे पहले एक्स का समेशन कर लेते हैं, तो एक्स का जो समेशन है वो हमारे पास सारी वैल्यूज को जमा करेंगे ना, 75 आ जाएगा समेशन एक्स, यहाँ रखते हैं 75 ओवर एन, इनकी तादाद होती है वो 10 है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 77.5। अब चूंकि हमने निकालना क्या है, वेरियंस, वेरियंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर, बस जजर उठ जाएगा ऊपर से, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर बटा एन। अब हमें एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए, फिर उसका स्केयर ले लेंगे, एक्स है 10 और एक्स बार है 7.5, तो ये पहली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.5, ऐसी दूसरी 8 है -7.5, तो ये आ जाएगी 0.5,
ऐसे ये सारे सब में से 7.5 माइनस करते जाएंगे तो ये कॉलम आता जाएगा। ठीक है, 7 में से करेंगे तो -0.5। ठीक है, 2.5, 0.5, 1.5, -0.5, -2.5, 4.5, 0.5, -1.5, 0.5 और -5.5। ठीक हो गया। अब हमें इस कॉलम का स्क्वायर चाहिए, तो 2.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, ऐसे सारे कॉलम का आपने स्क्वायर ले लेना। ठीक है, तो पहले कॉलम का अगर मैं स्क्वायर लूं तो ये आ जाएगा 6.25, 0.5 का लूं तो 0.25, 1.5 का लूं तो 2.25, इसका लूं तो फिर 0.25, इसका लूं तो ये इसी की तरह माइनस प्लस हो जाता है जब स्क्वायर लिया जाता है ना। 4 का लेंगे तो 20.25, 2.25, 0.25 और ये आ जाएगा 30.25। इन सब को जमा कर लेना क्योंकि हमें यहाँ समेशन चाहिए इसका, तो जमा करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 68.5। n इनकी तादाद है वो 10 है, तो डिवाइड करेंगे तो 6.85 आ जाएगी। ठीक है जी, डन हो गया। बस यही इम्पोर्टेंट है, बाकी दो रह गए वो देखते हैं करने के नहीं हमने।